हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योगेश शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। अर्जुन भाई की ये जो गाड़ी है स्विफ्ट डिज़ायर, ये 1197 सीसी की गाड़ी है जो कि 81.8 बीएचपी की पावर जनरेट करती है, और अगर टॉर्क की हम बात करें तो 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी जनरेट करती है जो कि काफ़ी पावरफुल है। अर्जुन भाई, आपने यही गाड़ी क्यों ली? इस सेगमेंट में इससे अच्छी गाड़ी समझ में नहीं आई। अच्छा, एवरेज भी बढ़िया है और ये गाड़ी जो है 4+1 सीटिंग कैपेसिटी के साथ अपने को मिलती है। तो इस गाड़ी का जो कंफर्ट है वो कंफर्ट बताइए। इस गाड़ी में जो आपके मतलब लोग बैठते हैं या फिर आपके कस्टमर वगैरह कोई अगर बैठते होंगे तो इसका कंफर्ट कैसा है? अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। कोई शिकायत नहीं आई। कई बार डिलीवरी केस भी छोड़ के आया इस गाड़ी से पर्सनली। अच्छा, फैमिली में तो एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, मैं यहाँ पे कुशन देख रहा हूँ। ये कुशन क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? एक्स्ट्रा कुशन जो रखा है सीट पे, ये सीट का जो फॉर्म है ना, हाँ, ये अभी तक सुधार नहीं कर रहा है मारुति वाले, बहुत नीचे दिया जा रहा है। अच्छा, तो सीट में एडजस्ट आप आगे पीछे कर सकते, अप डाउन के लिए नहीं दिया ऑप्शन। अप डाउन के कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। इसमें बस यही है थोड़ी सी, या कोई कम हाइट वाला है तो वो उसके लिए थोड़ा सा, हाँ, जैसे देख रहा है यहाँ से तो हमें बोनेट भी दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन भाई, इस गाड़ी की कॉस्ट आपको क्या पड़ी थी उस टाइम? मैंने ये गाड़ी ली है 2020 में, आज से 2 साल पहले जी। तो उस टाइम पड़ी है लगभग मुझे 7-7.5 लाख रुपए। इतना नॉलेज ध्यान नहीं है, अब काफ़ी टाइम हुआ। आपने गाड़ी कैश में ली? कैश में ली है। अच्छा, कैश में ली थी। ठीक है अर्जुन भाई, इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बताइए कुछ। फीचर्स में एवरेज है इसका गाड़ी का अपना 25 का एवरेज है, 25+25 से अभी तक कम नहीं दिया है। मार्केट में चला लो चाहे हाईवे में चला लो आप, और बाकी सब चीज़ मिलेगी आपको। एसी मिलेगा और एक कंट्रोलर वगैरह भी हैं जो कि नॉर्मल बेसिक मारुति सभी गाड़ी में अपने देती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि सोनी का है। ये आपने आफ्टर मार्केट लगवाया? नहीं, इसी में आया। ये कंपनी ने आपको दिया? ये बहुत बढ़िया है। देखिए, सोनी का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है, म्यूजिक प्लेयर जो इसमें जो है कंपनी का, कुछ भी अलग से नहीं है इसमें, कुछ भी अलग से नहीं है। चलिए अर्जुन भाई, इस गाड़ी में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? एवरेज, पिकअप, सभी चीज़ बढ़िया है इसमें। अच्छा, कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी कि सुजुकी वाले ने कोई चीज़ की कमी छोड़ दी हो। अच्छा, बस रही इसमें जो क्वालिटी की बात करें तो स्टार्टिंग से ही मारुति वाला क्वालिटी में वही जो देता आ रहा है अभी तक वही दे रहा है। महिंद्रा और टाटा की बात अलग है क्वालिटी में, बाकी कम बजट के सेगमेंट पे एक नंबर गाड़ी है। अच्छा, इसकी बिल्ड क्वालिटी अगर हम बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मतलब ठीक ठाक है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक ठाक है, हाँ, है ना, लेकिन ज़्यादा इतनी कोई परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो कोई खास ऐसा वो नहीं है इसमें ना। अर्जुन भाई, इस गाड़ी को लिए हुए आपको लगभग 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल में आपने इसकी कितनी सर्विसिंग अभी तक करा ली है? इसकी सर्विसिंग जितने भी कंपनी से थी वो सब करवाई है, बाकी इसकी हर 10,000 किलोमीटर के बाद में आयल और जो भी फिल्टर वगैरह चेंज होते हैं वो टाइम टेबल से घर चेंज करवाता हूँ। फिल्टर, एयर फिल्टर, एयर फिल्टर, हाँ, ये सब चेंज होती हैं, ये टाइम से चेंज करवाता हूँ हर 10,000 किलोमीटर पे। तो गाड़ी कोई शिकायत नहीं है, कोई कमी नहीं है चलने में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गाड़ी जो है ये चल चुकी है लगभग 91,000 किलोमीटर चल चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, बढ़िया है मतलब। लेकिन गाड़ी की अगर मेंटेनेंस समय समय पर अपन करवा दे रहे हैं ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कस्टमर सर्विस से आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल, कंपनी ने आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराई है। अभी तक इस गाड़ी ने कभी कहीं गाड़ी लेके गया हूँ तो कहीं रास्ते में पंचर नहीं हुई, जब भी हुई घर आके पंचर हुई है। अच्छा, तो ये गाड़ी की आपके प्रति ईमानदारी है। चलिए बढ़िया है, चलाई मैंने। तो फ्रेंड्स, अब हम गाड़ी स्टार्ट करके एक बार देख लेते हैं कि कैसा साउंड दे रही है, कैसा इसका जो वाइब्रेशन है वो कैसे आ रहे हैं। तो अर्जुन भाई, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और ऐसा कोई वाइब्रेशन हमें फील नहीं हो रहा है। हाँ, इसका एसी ऑन कीजिए जरा। इसका हमने 2 नंबर पे एसी ऑन कर दिया है। गाड़ी 2 साल चलने के बाद, लगभग 1 लाख किलोमीटर के आसपास चलने के बाद ये कंडीशन है कि इसमें जो है थोड़ा सा वाइब्रेशन मुझे फील हो रहा है, जो कि कहीं एसी की वजह से हो रहा है। ये भी अगर गाड़ी चल रही होती तो वो ये वाइब्रेशन भी इसमें नहीं आते। ये देखिए, ये फैन ऑफ करने पर वाइब्रेशन जो है बंद हो गया है। ये देखिए, हाँ, ये फैन जो चल रहा है, ये फैन का साउंड आ रहा है। एक्चुअली जो साउंड आ रहा है ये फैन का साउंड आ रहा है। ये भी फिल्टर चेंज हुआ, उसमें एक पार्ट होता है एसेसरीज होती है कोई, वो कट गई है थोड़ी चूहों की वजह से, तो वो थोड़ा सा चेंज होना। अच्छा, आवाज बंद हो जाएगी, वाइब्रेट कर रही बताएगी। अच्छा।
भाई आपने ये मारुति सुजुकी डिजायर का टूर वेरिएंट लिया है, तो इस टूर वेरिएंट में जहाँ तक मुझे पता है इसमें स्पीड गवर्नेंस लगा हुआ आता है, तो इससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम तो नहीं हुई, प्लस फायदा ही हुआ है इससे। कैसे? पहली चीज इसमें 80 के जो गवर्नर लगाए तो 80 की स्पीड से ज्यादा चलती नहीं है गाड़ी, ठीक है, आप कितनी कोशिश कर लीजिए, तो इससे एवरेज बना रहता है आपकी गाड़ी का। जी। दूसरी चीज, आपके कोई पर्सनल या दोस्त यार कोई लेके जाता है इस गाड़ी को, तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। क्या होते हैं, नए नए जनरेशन के लड़के हैं तो गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं, तो ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं ज्यादा। जी। तो इसकी वजह से इसका फायदा है गवर्नर का कि 80 ज्यादा भगती नहीं है तो गाड़ी ठुकने पिटने का या एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। जी। ताकि 80 स्पीड नॉर्मल होती है, आदमी गाड़ी कंट्रोल हो जाती है, पर ओवर स्पीडिंग में गाड़ी कंट्रोल नहीं होती, खुद की जान के साथ दूसरों की जान का भी खतरा रहता है। ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें जो स्पीड गवर्नेंस लगा हुआ है ये काफी यूजफुल होता है। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई कंपनियों को ज्यादातर गाड़ियों में ये चीज मतलब अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट्स जो है ओवर स्पीडिंग लोग ना करें और एक्सीडेंट जो है ना हुए। अच्छा अर्जुन भाई, मुझे ये कुछ ये डिवाइस लगी हुई दिख रही है, क्या है यार, इसके बारे में बताइए। ये माइक लगा हुआ है, अपन जैसे गाड़ी चलाते टाइम किसी का फोन आ रहा है आप तो यहाँ से फोन रिसीव कर सकते हो, इस बटन से रिसीव कर लोगे फोन। अच्छा। तो माइक लगा, कुछ नहीं करना, बकायदा क्लियर आवाज जाएगी, आप फोन से बात कर रहा हूँ। तो ये भी आपने आफ्टर मार्केट लगवाया है? हाँ, ये आफ्टर मार्केट लगवाया था, ये इसमें नहीं आया था सिस्टम। अच्छा, कंपनी से बोला था कि नहीं हम प्रोवाइड करवा देंगे माइक, तो अच्छा अच्छा तो उन्होंने प्रोवाइड करवाया था आपको। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या पड़ी आपको? ये टॉप मॉडल में यहाँ पे आता है अपना, हाँ जाली के साथ इनबिल्ड आता है। हाँ, ये इनबिल्ड आता है, टॉप मॉडल ये बेस मॉडल है अपने पास, तो ये यहाँ लगा के दिया, ने ये दिया होगा अपना 1200-1250 रुपये। भाई अब हम उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं जिसका हमारी मतलब जो व्यूवर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है, कि ये जो स्विफ्ट डिज़ायर है ये गाड़ी इतनी डिमांडेबल क्यों है, इसका रीज़न क्या है कि ये इतनी डिमांड में रहती है हमेशा? मेन चीज़ इसका ये है कि डीजल के साथ होते हुए इसका एवरेज बहुत अच्छा आता है, आप जहाँ मार्केट में चला लो या हाईवे पे चला लो, एवरेज इसका बढ़िया ही निकलेगा। ऐसा हाँ। नहीं है कि आप मार्केट में चला रहे हो तो उसका एवरेज 18 दे दिया, 17 दे दिया, नहीं, इसका एवरेज 22-23 के ऊपर ही जाएगा मार्केट में, आप जैसे पहले दूसरे गियर में चलाते हो मार्केट में, सिटी में भी और हाईवे में भी उसका हाईवे में, तो फिर आप 25 से ऊपर ले जाओ, 25 से ऊपर रहेगा, 25 से नीचे बात ही नहीं है। और मेंटेनेंस भी सबसे अच्छा है कि मेंटेनेंस बहुत कम है इसमें। मेंटेनेंस तो ये मान लो आपका 10,000 किलोमीटर, आपको 10,000 किलोमीटर बाद ओनली ऑयल का ही खर्चा और कुछ अदर खर्चा निकलते ही गाड़ी, बस सीधी सी बात है, जैसे कि अपन अगर मेंटेनेंस टाइम टेबल से कराते हैं तो फिर ऐसा कोई इशू आने नहीं वाला। फ्रेंड्स, डिजायर के अंदर जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, और यहाँ पे हमें कोई आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, हैंड ब्रेक है, बाकी इसका कुछ डिज़ाइन इस तरह से। और ये डोर्स में जो है हमें यहाँ पर ये पावर विंडो का स्विच मिलता है, नहीं ओनली फ्रंट में, बैक में नहीं है, बैक में हैंडल बार मिलेगा, इस तरह से कुछ देखने को हमें मिलता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके टायर की बात करें तो इसमें हमें 14 इंची के टायर देखने को मिलते हैं, जो कि अलॉय व्हील के साथ नहीं है, ये देखिए रिम के साथ है। अगर बैकलाइट की बात करें तो इसमें हमें हेलोजन बल्ब भी देखने को मिलते हैं, और अगर इनकी हेडलाइट की हम बात करें तो हमें हेडलाइट में भी हेलोजन बल्ब भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे फॉग लैम्प लगा हुआ था, टूट गया, उसमें भी हमें हेलोजन बल्ब भी देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ थे अर्जुन भाई जिनके पास स्विफ्ट डिज़ायर टूर है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इसमें मेरे से कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।